हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी देंगे यामाहा स्कूटर रेजेड आर का गियरबॉक्स के बारे में, जो कि चलने में गियरबॉक्स से गड़गड़ का साउंड अलग था दोस्तों। तो इसलिए हमने गियरबॉक्स खोला। फाइनली इसका वायरिंग ख़राब हो चुका है, इसलिए हमने एक वायरिंग चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, साथ में इसमें फिटिंग करने का गियरबॉक्स पूरी जानकारी देंगे। गियर बॉक्स कैसे फिट किया जाता है और इसमें क्या क्या वॉशर होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी फुल जानकारी देंगे इसके दोस्तों। जो कि इसमें वॉशर होता है उसको उल्टा सीधा होता है, बहुत आदमी को डाउट रहता है कैसे फिट किया जाता है, तो पुरानी की बात नहीं है, हम पूरी जानकारी देने वाले हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, इसलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, गियरबॉक्स फिट करने के लिए सबसे पहले इस तरह का दो वाशर होना चाहिए, और एक बड़ी वाली वाशर है जो कि इस तरह होना चाहिए। फिर ये गियर व्हील है, ठीक है दोस्तों, और ये मैन गियर व्हील है जो कि इस तरह दिखता है, और ये है लेसर बट। ठीक है दोस्तों, इसका वायरिंग ये ख़राब हो चुका है, इसलिए अब फाइनली जल्दी से वायरिंग को निकाल देते हैं। फिर निकालने के बाद नया वायरिंग इंस्टॉल करने वाले हैं इसमें। फिर एक बार ये वायरिंग निकल चुका है, तो ये नया वायरिंग है जो कि इसमें फिट करना है। और फिट करने के लिए हथौड़ी की मदद से हल्की हल्की चोट मार के आप बैठा सकते हैं, जैसे कि हम चोट मार के बैठा रहे हैं, ऐसे ही आपको बैठा देना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये बैठ चुका है जो सही तरीके से बैठ गया। तो उसके बाद लेसा पट है जो कि गियर में होंगे। अब लेसा पट को इधर ही सेकंड चैम्बर में बैठा देना है, 12 नंबर के सॉकेट की मदद से चौक मार के। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमने चोट मार के बैठा रहे ऐसे ही आपको बैठा देना है। हम ज़्यादा चोट नहीं मारना चाहिए, ज़्यादा चोट मारोगे तो चैम्बर टूट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी की फाइनली ये बैरिंग बैठ चुका है, और साथ में लेसर बट भी बैठ चुका है। अब इसमें थोड़ा लेसर बट टाइट रहता है, इसलिए ध्यान से बैठाना है। अब हमें गियर बॉक्स फिट करना है, देखना ध्यान से। उसके बाद हमें इस तरह का बैरिंग सबसे पहले फिट करना चाहिए, जो कि इस तरह लॉक लगी हुई है, ऐसा दिखता है। पहले अब थोड़ा हल्की सी घुमा के बैठा देना है। उसके बाद ये इस तरह का प्लेट है जो कि उल्टा सीधा होता है, जो मुड़ी हुई है वो बाहर सेट करके लगाना है, जैसे हम लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको लगाना है, और सीधा नहीं बैठा होगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये मैन गियर व्हील है जो कि बीपी करके लिखा है, इसको फाइनली फिट कर देना है हल्की सी घुमाते हुए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये बहुत ही प्यार से बैठ जाएगा, कोई इसमें चोट नोट नहीं मारना चाहिए। जैसे ये बैठ चुका है, फिर अंदर बाहर करके उसको पुश करके देखना है दबा के। ठीक है, उसको दबना चाहिए और अपने आप बाहर भी आना चाहिए, क्योंकि वाशर जो है मुड़ी हुई वाशर, स्प्रिंग वाशर है, वो काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस तरह का दो वाशर है, जो कि पहले हमें इस वाली को फिट करना है जो कि हल्की सी मुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये मुड़ी हुई साइड को बाहर करके फिट करना है, जो जैसे हम फिट कर रहे हैं ऐसे ही आपको फिट करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखने की जरूरत है वीडियो को। फिर ये सादा वाशर है जो कि बाजू में लगा देना है। ठीक है दोस्तों, फाइनली ये गियर फिट हो चुका है। उसके बाद हमें सेकंड चैम्बर फिट करना है। ठीक है दोस्तों, इसी में लेसर बट लगी हुई है, तो फाइनली हम इसे पैकिंग लगाते हुए डाल देना है, जो कि हमें पैकिंग नहीं डालना, इसलिए थोड़ी सी हल्की हमने वो ना बोन लगा लिया है। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले दो बोस होंगे इस तरह का, सेकंड टेंडर लगाने से पहले ये बोस देख लेना जरूर, ये बोस है। तो फाइनली आप हल्की सी घुमाते हुए चैम्बर को बैठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम बैठा रहे हैं ऐसे ही आपको बैठा देना है, किसी चोट मार के जैसे कि ये बैठ चुका है। ठीक है दोस्तों,
8 बोल्ट होते हैं, जो कि 8 पिन का होता है, सारे के सारे बोल्ट को टाइट कर देना है। ठीक है, उसको चैम्बर बैठाने में आपको लगे कि ठीक से बैठा नहीं है तो कोई बात नहीं है, और ये स्प्रिंग वॉशर होने की वजह से ऐसा महसूस होता है, तो आप बोर्ड लगा के हल्की हल्की टाइट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो व्हील है उसे भी घुमाना चाहिए, गियर बॉक्स को घुमाते हुए हल्की हल्की टाइट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फाइनली ये बैठ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम घुमा रहे हैं ऐसे आपको घुमा के हल्के हल्के सारे बोल्ट को टाइट करना है, और एक तरह से नहीं टाइट करना है, ऊपर नीचे बोल्ट को टाइट करना। सभी बोल्ट टाइट हो जाने के बाद हमें गियर ऑयल डालना चाहिए, जो कि 120 cm से लेकर 150 cm तक डाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको फुल जानकारी मिल चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब।